सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में बैठे बाराती और जान हथेली पर लेकर उनसे बच निकलने का प्रयास करते राहगीर। इन्हीं राहगीरों में कुछ स्कूली बच्चे और बुजुर्ग लोग जिन्हें घर वापस जाने की जल्दबाजी। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं, ये बाराती कोई और नहीं, ये छुट्टा पशु है जिन्हें आप आवारा पशु कहते हैं, जिनका नामकरण गांव के लोगों ने योगी बाबा के सैनिक के रूप में कर दिया है। गांव की सड़कों पर ये सैनिक सुरक्षा के बजाय राहगीरों के जीवन के लिए काल बन गए हैं। अब इसका जिक्र इसलिए लाजमी है क्योंकि आज सुबह मेरी नजर एक अखबार पर छपी एक खबर पर गई। उसमें छपा था कि गौ आश्रयों का अब रात में भी अधिकारी लोग निरीक्षण करेंगे। इसमें बताया गया है कि गौशाला के संरक्षण के क्रम में गौशाला स्थलों में किए गए व्यवस्था का अब रात में भी निरीक्षण किया जाएगा। 14 दिसंबर को सभी मंडलों में पशु चिकित्सक मय स्टाफ रात में 7 से 9 बजे तक निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद इसकी रिपोर्ट को पशुपालन निदेशालय को उसकी भेजेगी रिपोर्ट। अब इस खबर को देखकर चाय की दुकान पर बैठे कुछ बुजुर्ग लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। संयोग से मैं भी उस चाय की दुकान पर पहुंच गया। हंसने का कारण पूछा तो वहां पर मिले एक बरखू दादा ने बताया कि भैया दिन में तो अधिकारी गौशाला में जाते ही नहीं है, अब रात को वहां कैसे जाएंगे। यह सुनकर मैं भी काफी हैरान हो गया और पिछले 6 महीना पहले की यादों में मैं भी खो गया। हुआ यूं था कि गोसाईगंज की एक गौशाला में जमीनी हकीकत देखने मैं भी गया था और गेट के बाहर से ही अंदर बैठे लोगों ने साफ मना कर दिया था कि भैया अंदर मत आइए। जब मैंने कारण पूछा था तो उन लोगों ने बताया था कि सेक्रेटरी साहब ने अंदर जाने के लिए एकदम रोक दिया है। काफी प्रयास के बाद जब मैं अंदर गया तो वहां की दशा देखकर मन द्रवित हो गया और यह समझ में आ गया था कि आखिर सेक्रेटरी साहब ने अंदर जाने के लिए क्यों मना किया था। अब किसी तरह मैं तो अंदर वहां पे चला गया, लेकिन हम आपको अंदर हमें क्या मिला हम उसका जिक्र आपसे नहीं करेंगे। आप अगर उसकी पूरी हकीकत देखना चाहते हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग बरखू दादा ने लोगों से चर्चा का क्रम आगे बढ़ाया और बोले कि भैया सरकारी फरमान है और सरकारी फरमान तो जारी होता रहता है, लेकिन सरकारी फरमान का अमल कितना होता है इसे जनता भी जानती है और साहब लोग भी जानते हैं। फरमान जारी होने के बाद दिन नियत होता है, तारीख नियत होती है, समय नियत होता है और बड़के साहब जांच करने के लिए आते हैं और जांच करने के बाद चले जाते हैं। मतलब जांच करने से पहले ही जानकारी हो जाती है और सब कुछ ऑल इज ओके कर दिया जाता है और अगले दिन फिर से वही बदहाल दशा, वही जैसे पहले वैसे फिर उसके बाद शुरू हो जाती है। अब कई लोगों ने हमसे बताया भैया शाम को अंधेरा होते ही सड़कों पर बारात लग जाती है छोटा पशुओं की और वो बुजुर्ग को स्कूली बच्चों को घायल कर देते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं और घायल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है, छोटा पशुओं की खबरें जो है आए दिन अखबारों में प्रसारित होती हैं, छपती रहती हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को क्या इस पर नहीं सोचना चाहिए। यदि गौशाला के अंदर छोटा पशु हैं तो उन राहगीरों को कैसे घायल कर रहे हैं, कैसे चोटिल कर रहे हैं। सच तो यह है कि बड़के साहब को हिस्सा पहुंच जाता है और छोटके साहब जो हैं वो गौशाला के जिम्मेदारों से अपना हिस्सा लेके बगल हो जाते हैं। अब चाहे कोई राहगीर घायल हो, कोई स्कूली बच्चा चोटिल हो जाए, इससे उन्हें क्या वास्ता। भाई फरमान है, सरकारी फरमान है, जारी तो होगा ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।